ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। चैप्टर क्या है वो दूसरी वीडियो में डाला हुआ है, तो देख लेते हैं। तो कह रहा है कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना, कंजर्व फ्यूल, फ्यूल को बचाना, ठीक है। थ्री आर्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये होते हैं थ्री आर्स, ठीक है ना। विंड एनर्जी, कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, फिर थ्री आर्स के बारे में दोबारा दिया हुआ है, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी एफिशिएंट। ज़्यादातर चीज़ें जो नेचर से मिली हुई उन्हें तो बचाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? पहला ही क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत क्यों है। तो उसका आंसर है, द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, जितने भी रिसोर्सेज इस पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, वो लिमिटेड है, एक सीमित मात्रा में। बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है क्या है, रैपिडली इंक्रीज हो गई, बढ़ रही है जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ह्यूमंस ज़्यादा हो गए हैं। द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, उसने कहा जब लोग बढ़ रहे हैं तो रिसोर्सेज की डिमांड भी डे बाई डे बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स इन टू आर कंसिडरेशन लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव और व्यू एंड प्रिवेंट्स देयर एक्सप्लॉयटेशन टू हेल्ड फॉर आर शॉर्ट टर्म गेन्स। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और हम शॉर्ट टर्म गेन यानी अभी की पूर्ति करने के लिए हम लॉन्ग टर्म गेन्स को चेक ही नहीं कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे। पेड़ हैं, फर्नीचर होना चाहिए, पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब पेड़ काटने से फर्नीचर तो मिल रहा है, लेकिन एक नुकसान भी तो हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी तो मेंटेन नहीं हो रही, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम भी हो रही है, अस्थमा है अगर किसी को या इस तरीके की, या जिन्हें नहीं भी, अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो पॉल्यूशन ज़्यादा है। अब पॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट में पेड़ होना ज़रूरी है, ऊपर था ना कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी ये सारी चीज़ों को कंजर्व करना ज़रूरी है। अब पेड़ ही नहीं होगा तो भैया फिर कैसे होगा ये काम। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए क्या है, हम शॉर्ट टर्म गेन्स को ना देखें, हम अभी की क्या कह सकते हैं, अभी जो है ना, ऐसा ना करें कि हमें अभी अभी सुख मिल जाए फिर बाद में चाहे कुछ भी होता रहे, तो ऐसा नहीं करना। द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम सही से मैनेज करेंगे तो जो रिसोर्सेज हैं वो तो तरीके से बटेंगे, ठीक है, और उनकी बर्बादी भी नहीं होगी। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं ज़्यादातर जगहों पर ऐसा मानते हैं कि भैया कागज़ का इस्तेमाल हो रहा है, कागज़ पेड़ से बन रहे हैं, रिसाइकल होके भी बन रहे हैं हम, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डिजिटल पेपर, अब तो हम इंटरनेट के ज़माने में डिजिटल पेपर यूज़ कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि हम डिजिटल पेपर यूज़ करें। अगर एक हिंदुस्तान या चाइना जैसे जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इन आबादियों में कुछ परसेंट ही डिजिटल पेपर इस्तेमाल हुआ, तो कितने लोगों ने कागज़ का इस्तेमाल करना बंद करा, जिसकी वजह से काफ़ी पेड़ बच गए, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं है कि हमने तो इस्तेमाल करना बंद कर दिया कागज़ का पेड़ बचाने के लिए, लेकिन पेड़ का इस्तेमाल दूसरी जगहों पर किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा, कट फिर भी रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो फिर वो वेस्ट ऑफ तुम्हारा एनर्जी भी हो गया कि आपने काट के ज़बरदस्ती पेड़ रख लिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ सम फॉरेस्ट ट्रीज हैव टू बी कट फॉर वेरियस पर्पस, पेड़ कटते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, ठीक है जी, देन द डैमेज टू द एनवायरमेंट कैन बी मिनिमाइज बाई प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स इन प्लेस ऑफ कट डाउन ट्रीज। तो कह रहा है कि उनका डैमेज हम कम कर सकते हैं, जो उनको कटने से हानि हुई है उसको कम कर सकते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हम और नए छोटे छोटे पेड़ लगाएं। लेकिन देखो पेड़ काटने में तुम्हें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन में तुम काफ़ी सारे पेड़ काट दोगे, लेकिन आप सर एक दिन में बहुत सारे पेड़ उगा नहीं सकते, सैपलिंग्स लगाया ही तो है, सैपलिंग्स को पेड़ बनने में तो टाइम लगेगा, तो हम कोशिश करें कि हम हरे भरे पेड़ ना काटें, जो पेड़ सूख गया बेकार हो गया उसको काट सकते हैं। एक मिनट रुकना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देख लो। वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज लिस्ट टू रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा, पढ़ लिया, इसे थोड़ा सा टाइम दिया था। वो कह रहा है वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज, हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करना आना चाहिए, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। लिस्ट टू रीज़न, दो रीज़न बताओ टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। वो कह रहा है वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। बिल्कुल सही बात है, अर्थ के ऊपर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड क्वान्टिटी में है। एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ आवर रिसोर्सेज इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तभी हम सब लोगों को ये रिसोर्सेज जो है बराबर बराबर बांट सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि हम इस तरीके से रिसोर्स, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्या है, जिनके यहाँ पर ना पानी नहीं है, पानी तो है मतलब नदियों वाला साफ पानी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, या ज़्यादा नदियाँ नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में बहुत सारी नदियाँ हैं। तो अब क्या होता है, कुछ कंट्रीज़ की तरफ से दूसरी कंट्रीज़ में पानी जाता है ना, जैसे हाँ मान लेते पंजाब में ज़्यादा नदियाँ हैं तो उनकी तरफ से हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए भी पानी आ जाता है, उनके यहाँ तो है ही है एग्रीकल्चर के लिए पानी। तो हर कंट्रीज़ में सारे रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, कहीं पर सोना है, कहीं पर कोयला है ना, कहीं पर हीरे निकल रहे, तो हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है। तो सब कंट्रीज़ क्या करेंगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तभी कर पाएंगी जब हम किसी को कुछ देंगे और सामने वाला हमें उसके बदले में कुछ देगा। हाउ डू एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद अ शॉर्ट टर्म गेन्स, हम क्या करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को शॉर्ट टर्म गेन्स, अभी ऊपर पढ़ा था ना, अपने थोड़े से टाइम के सुख के लिए हम क्या करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यूज़ कर रहे हैं। पेड़ काट दिया, फर्नीचर चाहिए, पता चले वो दो साल में फर्नीचर ख़राब हो गया, अब पेड़ को उगने में दो साल नहीं लगेंगे, पेड़ को उगने में टाइम लगता है, ठीक है ना, और ज़रूरी नहीं है वो पेड़ उतना ही अच्छा उगेगा जितना पहले उगा हुआ था, पहली चीज़ तो ये, ठीक। तो क्वेश्चन है कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, विथ शॉर्ट टर्म गेम्स, अपने थोड़ी सी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। डिफर फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ मैनेजिंग आवर रिसोर्सेज विद अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव, हम कोशिश कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में अगर हम किसी चीज़ का यूज़ कर भी रहे हैं और उसका ज़्यादा लॉन्ग टर्म में यूज़ लें तो हो सकता है कि ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से काम करें। भाई जंगल को आपने काटा, जंगल को काटने के बाद अगर आपने पूरा जंगल काट दिया तो बंजर बन गया, वो बंजर बनने के बाद वापस जंगल बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उससे फर्नीचर बन रहा है या जो भी चीज़ बन रही है, जो भी तुमने बनाया है, वो बनने में आपको कुछ सालों तो नहीं लेकिन कुछ साल लग गए। आप पूरा वो जंगल का लकड़ियाँ लेकर आए, आपने उसे कट डाउन करा, उसे फर्नीचर्स या पेंसिल्स जो भी आपने बनानी है बनाया, और बनाने के बाद उसको मार्केट में सप्लाई कर दी। अब दोबारा जब तुम्हें वो चीज़ की पूर्ति करनी होगी क्या करोगे, अब वो जंगल तो कट चुका, अब दूसरा जंगल, तीसरा जंगल, करते करते हम सारे जंगलों को इसी तरीके से काट देंगे, डिफॉरेस्टेशन भी बोलते हैं। तो यही तो बात है ना, तब तक एक भी जंगल तैयार नहीं हो पा रहा। द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विथ शॉर्ट टर्म एम इज टू मीट द इमीडिएट, मतलब अभी की बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जंगल को या लकड़ियों को या पेड़ों को या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, नदियों को दूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, कल का सोचना है वो, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। शॉर्ट टर्म एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीट द करंट डिमांड, आज की डिमांड तो पूरी कर देगा वो, कोई मना नहीं है, आज की डिमांड पूरी हो रही है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्रेजेंट जनरेशन, हमारे लिए अच्छा है, आज की जनरेशन में हम जी रहे हैं, ठीक है। आप गए फर्नीचर के लिए, आप मार्केट में गए, आपको फर्नीचर अवेलेबल है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब पेड़ बहुत कम हो जाएंगे, तब क्या कहाँ से आएगा फर्नीचर, नदियाँ सारी दूषित हो जाएंगी यानी पॉल्यूटेड हो जाएंगी, तब पीने का पानी, और सबसे ज़रूरी है पीने का पानी, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। वेयर एज मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद द लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इज एम टू फुलफिल द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, हमें इस तरीके से करना चाहिए कि हम अपनी भी नीड को पूरा कर लें और आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अचीव थ्रू देयर सस्टेनेबल यूज़, सस्टेनेबल यूज़ से ही बोलते हैं, तुम भी यूज़ कर लो और आने वाली जनरेशन भी यूज़ करें, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें लानी चाहिए जो हमारी जनरेशन प्लस आने वाली जनरेशन दोनों के लिए यूजेबल, दोनों को देख के चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो फिर ठीक है, आज की जनरेशन तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा लेगी लेकिन आने वाली जनरेशन नहीं उठा पाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्रॉब्लम पड़ेगी, ठीक है ना। अब देख लो आरओ बन गए या प्योरीफाइंग वाटर्स, ये प्योरीफायर वगैरह बन गए, क्यों बन गए, पहले तुम्हारे दादा परदादा या हमारे दादा परदादा के टाइम पे आरओ वगैरह क्यों नहीं थे, क्योंकि नदियों का पानी इतना गंदा था ही नहीं कि उन्हें घरों में ला के प्योर करके पीना पड़ता था, नल लगे हुए थे, नल का ग्राउंड वाटर डायरेक्ट आता था, कुछ कुएँ भी थे पहले, ठीक है ना।
ग्राउंड वाटर से हम लोग सप्लाई लेते थे, उसमें डायरेक्टली हम वो लोग पानी पी लेते थे, ऐसे ही होता था। लेकिन अब क्या हो रहा, अब घर घर में आ रो है, भाई साहब फिल्टर का पानी है, हाँ ये वाला दे दो, कच्चा पानी पीता नहीं। क्यों? क्योंकि कच्चा पानी हमने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि अब हम उस पानी को पीना नहीं चाहते, ठीक है ना। अब ये है जैसा आगे के पॉइंट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है? जंगल और वाइल्ड लाइफ उस जगह की जो लाइफ है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं। अब उनके भी तो घर खराब हो रहे हैं, अब जंगल में लोग भी रह रहे हैं, जंगल में जानवर भी रह रहे हैं, पक्षी भी रह रहे हैं, तो हम उनकी भी तो लाइफ खराब कर रहे हैं अपने साथ साथ। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम उनका भी तो घर खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं? देखो, अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड फॉरेस्ट। वो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर ट्रीज और प्लांट्स नेचुरली उग जाते हैं, खुद से ही उग जाते हैं, उस जगह को हम जंगल कहते हैं। एंड द वाइल्ड एनिमल्स, और जो वहाँ पर क्या होते हैं, जंगली जानवर भी रहते हैं, लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, स्नेक्स, इस तरीके के जानवर रहते हैं। एंड बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स में फिर अलग अलग सारे बर्ड्स के नाम नहीं लेने, विच लिव इन अ फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। वही वाइल्ड लाइफ है जहाँ पर वो जंगली जानवर या पक्षी या कीड़े सारे जो वहाँ पे हैं, लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, वो लोग उस जंगल में रहते हैं, दैट इज द वाइल्ड लाइफ। उन लोगों के लिए वो जो लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, वाइल्ड मतलब जंगली और लाइफ मतलब जीवन है, आदिवासी वगैरह कह सकते हैं, या जहाँ पर लोग नहीं है लेकिन एनिमल्स और बर्ड्स तो हैं, उनके लिए तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी। द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ फॉरेस्ट आर कॉल्ड फ्लोरा एंड फौना। वो कहते हैं जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स जो फॉरेस्ट में हैं, अवेलेबल हैं, रहते हैं, उन्हें फ्लोरा और फौना नाम से जाना जाता है। अब फ्लोरा फौना क्या होता है, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे कभी साइंस में, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। तो अब क्या है, वहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है, बहुत अलग अलग प्रजातियाँ हैं, चिड़ियाँ भी अलग अलग देखने को मिलेंगी, है ना, पक्षी भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं आपको, जानवर भी अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, सांप अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के लिए हो सकते हैं, और प्लांट्स भी अलग अलग तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं, अब यार ऐसा भी पौधा है, ऐसा भी फूल है, इस तरीके का पेड़ है, ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। फॉरेस्ट आर सेस टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वो हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट मतलब वो जगह है जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी, अलग अलग तरीके की प्रजातियाँ देखने को मिल रही है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इन सब की वहाँ प्रजातियाँ अलग अलग एक ही जंगल में देखने को मिल रही है। अब जंगल मतलब तुम्हारे अब यूपी का जंगल नहीं, नियर बाई वाला, पहले ये भी ऐसा था, बट वो कटते 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 क्या हुआ, जंगली जानवर दूर जाने लगे। कभी कभार ऐसा होता भी, न्यूज़ में भी आ जाता है कि भैया तेंदुआ या चीता वगैरह तुम्हारे गांव में आ गया, हो जाता ना ऐसा। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उनकी जो वाइल्ड लाइफ थी उसको हमने एक्सप्लॉइट कर दिया, छीन लिया, उसको ख़राब कर दिया हमने, डैमेज कर रहे हैं हम उसको। तो हम डैमेज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान झेलना पड़ेगा भाई, ठीक है। वन ऑफ द एम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विच वी हैव इनहेरिटेड। पहला एम यही है कि हम मैनेजमेंट करें किसका, फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ का। हम जंगल बचाएंगे तो जंगली जानवरों की लाइफ भी, जंगली पक्षियों की लाइफ भी, जो जंगल में रहते हैं पक्षी जानवर, ठीक है ना, उनकी लाइफ बच जाएगी। सो टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, अब उनकी लाइफ बचेगी तो जो उन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है ना इस नेचर के अंदर, फूड चेन बनी हुई है ना, बैलेंस बना हुआ है, तो वो भी बचा रहेगा। जब वो ही बचा लिया तुमने जंगल, तो वो पक्षी पौधे ये सब चीज़ें बच गई, जब वो बच गई तो ये पूरा जो बैलेंस बना हुआ है इकोसिस्टम का वो बना रहा है। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, अ पर्सन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन समथिंग कॉल्ड स्टेक होल्डर। एक बंदा जिसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो या उसके बारे में चिंतित हो, कंसर्न हो, किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी हो सकता है, उसको स्टेक होल्डर बोलते हैं। जैसे द पीपल हु लिव इन, लोग जो रहते हैं एंड अराउंड द फॉरेस्ट, या तो जंगल में या जंगल के आसपास, आर डिपेंडेंट टू सम एक्सटेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू लीड देयर लाइफ। वो ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं जंगली जानवरों पर या जंगलों पर, ठीक है ना, किसी तरीके की कोई चीज़ लानी है तो वो उस पर डिपेंडेंट हैं। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंगल पर, जो लोग या तो जंगल में रह रहे हैं या जंगल के आसपास रह रहे हैं, वो जंगल में डिपेंडेंट, ठीक है ना, जंगल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या करा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, क्योंकि जंगल बचाने थे तो फिर गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा था, सरकार आ गई, सरकार ने आके फिर वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया, विच ओन्स द फॉरेस्ट लैंड, जिन्होंने वो जगह पूरी की पूरी खरीद ली, एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम द फॉरेस्ट, और जो उस जंगल के रिसोर्सेज थे उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अपने आप गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी, ठीक है ना।
द इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूज वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर देयर फैक्ट्रीज, वो इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्री चलाते हैं, है ना, जिनकी इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्री है। मान लो आप पेंसिल ही बनाते हो तो आपको सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी लकड़ी ही है, ठीक है ना। आपको फर्नीचर का काम है, आपकी रिक्वायरमेंट लकड़ी है। दवाइयाँ या कोई और प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली जंगल पर डिपेंडेंट करता है, तो आपके लिए तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप डायरेक्टली जंगल के ऊपर डिपेंडेंट करते हो। फॉर देयर फैक्ट्री सच एज वुड फॉर मेकिंग पेपर फर्नीचर, लकड़ी चाहिए पेपर या फर्नीचर बनाने के लिए। तेंदू लीव्स फॉर मेकिंग बीड़ीज, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू की लकड़ी की जो पत्तियां होती हैं वो चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें के लिए डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज किस पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट के ऊपर। भैया बनाएगा तो इंसान, लेकिन बनाएगा तभी ना जब तेंदू की वो पत्तियां आएंगी। फर्नीचर बैठ जभी तो बनाओगे जब लकड़ी आएगी, लकड़ी नहीं होगी तो बनाओगे कैसे। लकड़ी वाला बैठ तो लकड़ी कैसे बनेगा। द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हु वॉन्ट टू सी द फॉरेस्ट इन देयर प्रिस्टीन फॉर्म, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ होती है ठीक ना, उनके लिए एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट मतलब जो उनके लिए कंसर्न थे, परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ना ओरिजिनल फॉर्म में ही रह जाना चाहिए, जैसा था उसी फॉर्म में रहना चाहिए, खराब कर रहे हैं हम इसे। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ दूसरी वाली वीडियो में देखते हैं, इस वीडियो में इतना।